Hello student, welcome in SV online classes. Today we are going to discuss about the chapter 3rd of class 7th, fiber to fabric. Fiber होते हैं रेशे, fabric होते हैं वस्त्र कपड़े. तो fiber से जो रेशों से तंतु से कपड़े किस तरह बनाए जाते हैं उसके बारे में अपने discuss करेंगे. In class 6th you have learnt about some fiber obtained from plants. तो 6th class में आपने पढ़ा कि कुछ फाइबर हैं जो रेशे अपने को प्लांट्स पौधों से मिलते हैं. यू आल्सो लर्नड दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. तो आपने ये भी पढ़ा है कि जो वूल है, ऊन है, और जो सिल्क है, रेशम है, ये अपने कहाँ से, एनिमल से मिलता है. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसेस हेयर ऑफ द शिप और याक. तो ऊन है वो कहाँ से अपने को मिलती है, कहाँ से मिलती है, फ्लीसेस होते हैं हेयर या बाल भेड़ के और याक के बालों से अपने को मिलती है. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. जो सिल्क फाइबर है ये अपने कहाँ से मिलता है, सिल्क मॉथ यानी मतलब कीट, तो रेशम कीट से ये प्राप्त होता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स. तो क्या आप जानते हैं कि भेड़ के कौन से शरीर के भाग से जो है ये वुल है, अपने को ये फाइबर है ये प्राप्त होता है. आर यू अवेयर, क्या आप जानते हैं, दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न. तो ये फाइबर हैं जो इनको किस तरह से वुलन यार्न में जो उन्हीं धागों में इनको चेंज किया जाता है, बदला जाता है. वी बाय फ्रॉम दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड स्वेटर. जो हम क्या धागे जो अपने जिसको अपने स्वेटर बुनने के लिए मार्केट से बाजार से खरीदते हैं. तो आपने देखा हो जिसको अपने आम भाषा में पशम बोल देते हैं ना, लेने के लिए बाजार से जाते हैं स्वेटर बुनने के लिए, तो वो क्या है, फाइबर ही हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क विच इज वन इनटू साड़ीज. तो क्या आप जानते हैं कि रेशम के फाइबर से जो रेशम है वो कैसे बनाया जाता है, जिनसे क्या है साड़ियाँ वो बुनी जाती हैं, वन मतलब बुनना. तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन. तो इस पार्ट में अपने ऐसे क्वेश्चन के उत्तर जानने की अपने ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे. फिर आगे देखिए, एनिमल फाइबर वुल एंड सिल्क. तो जो एनिमल फाइबर है जानते हो रेशे हैं, वुल, ऊन और सिल्क, रेशम, ये कहाँ से अपने को मिलता है. तो सबसे पहले अपने इसके बारे में देखते हैं, वुल, ऊन. ऊन अपने को कहाँ से मिलती है, वुल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. तो जो वुल है, ऊन है, वो कहाँ से अपने को, भेड़ से, बकरी से, याक से और ऐसे ही कुछ दूसरे एनिमल से मिलती है. दीज वुल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. तो ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से क्या होते हैं, ढके होते हैं. वुल यील्डिंग यानी ऊन प्रदान करने वाले एनिमल्स जानवर हैं, बियर यानी कि ढके रहते हैं हेयर बालों से, ऑन देयर बॉडी उनके शरीर के बालों से ढके होते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर. तो क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के ऊपर जो है मोटी परत, थिक कोट यानी कि मोटी, थिक मोटी कोट यानी परत, जिसके ऊपर जो बालों की जो मोटी परत होती है ये क्या है, हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर. तो जो बाल हैं वो क्या करते हैं, ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर. तो वायु को, जो हवा को, वो आसानी से क्या है, इसको ट्रैप करके रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं. एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो आप जानते हो एयर है जो हवा है वो क्या, हीट की पुअर कंडक्टर है, जिसकी क्या है, कुचालक है. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि अपने चैप्टर 4 में अपने पढ़ेंगे. सो हेयर कीप दिस एनिमल वार्म. तो इस कारण जो ऊन है ये क्या रखती है, इन जानवरों को, एनिमल्स को गर्म रखती है. वुल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. तो जो ऊन है वो इन ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. तो इन्हीं रोइंदा रेशों से क्या होती है, ऊन प्राप्त होती है, ड्राइव्ड यानी मिलती है अपने को. एक्टिविटी 3.1 दे रखी, आगे देखिए. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. तो क्या करो, अपने शरीर, आर्म्स होगी, बाहें, सिर के बालों को क्या करो, छू कर इसको अनुभव करो, फील करो. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस. क्या आपको कुछ उसमें अंतर लगा, विच वन सीम्स कॉर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट.
तो कौन से जो है कोर्स बोल सकते हैं अपने रूखे को, ठीक है, और कौन से बाल रूखे हैं, कौन से सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं। लेट्स द हेयर हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर दैट फ्रॉम इट्स फ्लीसेस। तो क्या हमारी तरह के भेड़ के भी जो हेयर स्किन है, रोइंदार जो त्वचा है, पर क्या दो तरह के जो बाल होते हैं, फाइबर होते हैं, एक तो द कोर्स बेर्ड हेयर, ये तो क्या होते हैं जो अपने दाढ़ी जैसे बेर्ड होती है दाढ़ी, उसकी तरह जो कोर्स हेयर रूखे बाल होते हैं, दाढ़ी वाले देखो हार्ड से होते हैं अपने बाल बेर्ड, ठीक है, तो उस तरह से। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, तो जो ऊपर वाले बाल होते क्या होते हैं रूखे होते हैं, और जो चमड़ी है उसके निकट होते हैं जो तंतु रूपी, वो क्या होते हैं मुलायम बाल होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले तो क्या होते हैं जो बाल होते हैं वो दाढ़ी जैसे अपने होते हैं रूखे बाल उस तरह से, और नीचे वाले क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं मुलायम बाल। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, तो ये जो फाइन बाल हैं जो मुलायम छोटे छोटे जो बाल हैं, इनसे क्या किया जाता है जो ऊन है वो प्राप्त की जाती है, ये अपने कौन प्रोवाइड करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शिप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, तो क्या सम ब्रीड्स, ब्रीड्स क्या होती हैं किस्में, क्या होती हैं किस्में ऑफ शिप बेडों की, प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, तो कई बेडों की ऐसी किस्में होती हैं जिनमें क्या होते हैं उनके जो नीचे स्किन के पास वाले बाल होते हैं वो क्या होते हैं फाइन होते हैं, महीन होते हैं छोटे छोटे। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, तो क्या होता है इनके जनकों जो पेरेंट्स होते हैं जनकों का विशेष रूप से ऐसी बेडों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है, कि इनसे ऐसी बेडों का जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके जो बाल क्यों सॉफ्ट हों। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, तो क्या होता है ऐसे अपने तंतु भी छोटे मुलायम बालों को अपने क्या प्राप्त करने के लिए जो जनकों का अपने क्या करते हैं चयन करते हैं, सेलेक्टिंग ब्रीड्स उनका क्या करते हैं चयन करते हैं जो ऐसी संतति प्राप्त करने के लिए जिसके जिसके क्या हो मुलायम बाल सॉफ्ट हो, तो इसको क्या बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, वर्णात्मक प्रजनन, ब्रीडिंग होता है प्रजनन, ठीक है, और सेलेक्टिव अपने बोल सकते हैं इसको वर्णात्मक यानी चयन की गई, ठीक है। तो फिर आगे देखिए एनिमल दैट यील्ड वूल, तो एनिमल्स यानी पशु हो गए जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है, ऊन प्रदान करने वाले पशु। सेवरल्स ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, तो बहुत तरह की जो ब्रीड्स हैं नस्लें हैं भेड़ों की वो अपने देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीसेस ऑफ दीज इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, यद्यपि भेड़ों की ऊन ही क्या है उनका एकमात्र स्रोत है सोर्स है, तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट, तो फिर भी जो बाजार में इस मान्य रूप से क्या हो सकती है अपने जो ऊन है वो प्राप्त हो जाती है। मार्केट इज शिप वूल, तो भेड़ की ऊन होती है अलग जो मार्केट में हमने मिलती किसकी होती है भेड़ की। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, तो जो याक की जो ऊन है वो तिब्बत और लद्दाख में क्या है प्रचलित है। मोहर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, तो क्या एक मोहर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, तो जो क्या ईयर्स हैं जो ऑब्टेन फ्रॉम प्राप्त किए थे अंगोरा गोट, अंगोरा क्या कोई किस्म है नस्ल है किसकी बकरी की, उससे प्राप्त किए थे। फाउंड इन हिली रीजन, जो कहाँ पे पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में सच है जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि जम्मू और कश्मीर पहाड़ी क्षेत्रों में ये अंगोरा नाम जो प्रजाति की किस्म की बकरी पाई जाती है जिसके बालों से क्या होती है ऊन प्राप्त की जाती है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, कहाँ से प्राप्त की जाती है बालों से गोट के बकरी के,
द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट। तो कश्मीरी बकरी है उसकी जो त्वचा के जो बाल होते हैं नज़दीक वाले फर, यानी जो चमड़ी के नज़दीक वाले बाल होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, फर बोल देते हैं बालों को बोलते हैं। इट इज़ वूमन इन टू द फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। तो इनसे क्या रहती हैं, शोले बनाए थे, आपने सुना होगा पश्मीना शोले, ये क्या है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की उधर से टाइप की होती हैं, काफ़ी मशहूर होती हैं पश्मीना शोलों के नाम से इनको जाना जाता है, जो उनकी कश्मीरी जो बकरी है उसके बालों से बनाए जाते हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वुल। तो ऊँट के भी जो बाल होते हैं वो भी क्या ऊँट के रूप में उनका भी यूज किया जाता है। लालमेंड एल्पका, सॉरी लामा और एल्पका हैं जो ये ऊँट की प्रजाति हैं, किसमें फाउंड इन साउथ अमेरिका, जो कहा पाई जाती हैं दक्षिण अमेरिका में, आल्सो यील्ड वुल, जिनसे ऊँट क्या होती है अपने को यील्ड प्राप्त होती है। फिर एक्टिविटी 3.2 दे रखी है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वुल। तो ऐसे जानवरों की पिक्चर है उसको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो जिससे ऊन प्राप्त होती है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, जिसको आप क्या अपनी स्क्रैप बुक्स के अंदर चिपकाएं। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर, यदि आपको ये पिक्चर नहीं मिल रही, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिव इन द बुक। तो इस बुक में जो दिए गए इसे उनको बनाने की कोशिश करें। फिर आगे देखिए, फाइंड आउट वर्ड फॉर शिप्स गॉट कैमल्स एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। तो ऐसे शब्दों को ढूंढिए जो आपकी क्षेत्रीय भाषा में भेड़ों को क्या कहा जाता है, बकरियों को क्या कहा जाता है, कैमल को क्या कहा जाता है, उन शब्दों को ढूंढिए। एंड आल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, और दूसरे जो अपने देश की दूसरी जगहों पे हैं उनकी भाषा में इसको क्या किस नाम से पुकारा जाता है। फिर एक्टिविटी 3.3 देखिए, प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो क्या करो, जो भारत और विश्व का मानचित्र है वो लो, फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वुल। तो ऐसी जगहों को क्या करो, आप मार्क करो, चिन्हित करो, जहाँ पे जिनसे अपने को ऊन प्राप्त होती है वो एनिमल्स हैं वहाँ पाए जाते हैं। यूज डिफरेंट कलर टू डोनेट द लोकेशन, तो अलग अलग कलरों का यूज करो उनकी लोकेशन को दर्शाने के लिए। फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स, अलग अलग किस्म के जंतुओं से जहाँ अपने को क्या है ऊन प्राप्त होती है, और जिस जगह पर वो रहते हैं उनको अलग अलग कलर से डिनोट करिए, जगहों को दर्शाइए। फिर ये देखिए डायग्राम दे रखे अपने को, या किस तरह से होता है ये लालमा एल्पेका, ये किस्में और ये कैमल, तो इनसे क्या वूल प्राप्त की जाती है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम फाइबर टू वूल, तो रेशों से ऊन किस तरह से बनाई जाती है, तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जितना पढ़ाया है इसको आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसको करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।